नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो सामने देख रहे हैं, ये नर्सेज बैठी हुई हैं अपनी मांग को लेकर। इनको बहुत बहुत चीज़ों से नवाजा गया, कोरोना योद्धा, धरती के भगवान, जाने क्या क्या चीज़ों से नवाजा गया। आज धरती के भगवान धरती पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आउटसोर्सिंग में ठेकेदारी पर लगे थे, मेडिकल कॉलेज झांसी में। इनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया है और कुछ महीनों की इनकी वेतन भी रुकी हुई है। तो अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय झांसी में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। भाई साहब, आप लोगों की क्या मांग है? क्यों धरने पर बैठे हुए हो? क्यों, क्या ज्ञापन देने के लिए आए हो? सर, हम लोग की मांग ये है कि जब कोविड था तो तब तो हम लोग को हायर किया गया मेडिकल कॉलेज से, डीएम ने जो भी है आउटसोर्सिंग से किया गया था। लेकिन जब कोविड जब प्रचंड रूप में था, तब तो हम नर्सिंग स्टाफ को, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन सबको आउटसोर्सिंग के जरिए वहाँ पर जॉब दी। उसके बाद जब कोविड ख़त्म होने जा रहा है, बिल्कुल अपनी सफलता प्राप्त होने के बाद हम लोग को जॉब से निकाल दिया गया। और हम लोग ने ऐसी कठिन परिस्थिति में सरकार का सामना साथ दिया, तो सरकार हम लोग का ये नतीजा दे रही है कि हम लोग को बेरोजगार कर दिया। जब हम लोग यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए थे, जब उससे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहे थे, वहाँ से जॉब छोड़ के आए, और उसके बाद जब यहाँ से भी जॉब चला गया तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सी कंपनी से लगे थे आप लोग? आउटसोर्सिंग वाजपेयी ट्रेडर्स की। कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक? 6 मंथ की। पहले तनख्वाह मिल चुकी है? सिर्फ 1 मंथ की मिली थी, वो भी तो हम लोग ने स्ट्राइक की थी तब। कौन से महीने से लगे थे आप लोग? हम लोग जुलाई से। जुलाई से 1 महीने की तनख्वाह मिली है खाली, बस बाकी बकाया है। बकाया है। तो अभी आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया पहले बैठाने का? कोई नोटिस नहीं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 5 तारीख को ड्यूटी की है, 6 तारीख को ड्यूटी करने गए तो वहाँ पे साइन नहीं करने दिए, कि वहाँ बोला गया कि आप लोग की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। जबकि और 6 तारीख को हम लोग ज्ञापन देने आए थे तो जिस वो सिटी मजिस्ट्रेट सर ने बोला था कि L3 का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, L1 L2 को निकालने का आदेश आया, L3 का कोई आदेश नहीं आया। मेडिकल कॉलेज L3 में आता तो हम लोग को क्यों निकाला गया? आपने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य जो हैं नरेंद्र सेंगर जी, उनसे आपने बात की? जी, की बात। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने तो बोला कि आदेश आया है 7 अंक से। आपको आदेश हमसे कोई मतलब नहीं है, आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं है, आप ठेकेदार कॉन्टैक्ट से बात कीजिए। पर आपने उच्च अधिकारी जो DM साहब हैं, जिलाधिकारी हैं झांसी के, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? DM सर नहीं मिले थे, सिटी मजिस्ट्रेट मिले थे, उन्होंने बोला कि आप प्रिंसिपल से बात कीजिए। फिर आप जिलाधिकारी के पास आए हैं? हम लोग परमिशन लेने के लिए आए थे धरने की, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, और ये और बोला कि यदि तंगा रोड पे बैठोगे तो हम FIR करेंगे और केस करेंगे सब पर। तो अभी आपकी मुलाकात हुई जिलाधिकारी जी से? जी, जिलाधिकारी से नहीं हुई, तो सिटी मजिस्ट्रेट से हुई, नगर मजिस्ट्रेट। तो आप अभी मिलेंगे जिलाधिकारी से? नहीं, मिल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इससे पहले मिल चुके, अभी तो मिले नहीं है सिटी मजिस्ट्रेट। तो जिलाधिकारी जी से जब मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? ने भी कहा था 2-3 दिन में सैलरी, 2-3 दिन में सैलरी आ जाएगी। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था तो जॉब के लिए क्या जिलाधिकारी भी मना कर रहा है क्या? अब पहले तो बोला था L3 का कोई नोटिस नहीं आया 6 तारीख को, अब वो जो भी है सेंगर सर से बात की तो उन्होंने जो भी बात की हो सो, तो अब बोल रहे हैं कि अब कोई हमसे मतलब नहीं है ना सेंगर सर से, आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, ठेकेदार से बात। हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो ये बोला गया था कि तुम लोगों को हटाया नहीं जाएगा, समझा पे रखा जाएगा। तो आपको कोई लेटर दिया था जब बोला था? एक महीने नहीं, जैसे आपने बोला कि आपको हटाया नहीं जाएगा, तो आपको जब रखा गया था ड्यूटी पे तो आपको कोई लेटर दिया था कि नहीं हटाएंगे? नहीं, कोई लेटर नहीं दिया। लेटर दिया था 1 माह का लिखा हुआ था, 7 महीने जॉब करवाई, मतलब लेटर दिया था कि 1 माह काम करना है, 1 माह के लिए रखा जा रहा है आपको, लेकिन हम लोग 7 महीने ड्यूटी करवाई उन्होंने कोविड में। पता था आपको जब ज्वाइन किया था कि आप 1 मंथ के लिए हैं?
मतलब एक महीने का लेटर देके आपको सात महीने एक महीने का लेटर दिया और पढ़ने भी नहीं दिया उसमें, और पहले बोले साइन कर दो फिर उसके बाद पढ़ लेना। हमें नहीं पता था, हमें पहले नहीं बताया गया था कि आप वन मंथ के लिए ज्वाइनिंग पे, हम यहाँ एक दो महीने जॉब कर चुके थे, तीन महीने जॉब, उसके बाद लेटर पे साइन करवाए। आपको जो पहली वेतन मिली थी वो कितनी वेतन मिली थी? चार महीने के बाद हमें मिली थी 16,250। एक महीने की मिली है अभी? एक महीने की मिली थी, वो भी नवंबर में मिली थी, चार महीने बाद आई, 11 नवंबर को मिली थी, सात महीने की, एक महीने की। तो क्या आपको आश्वासन दिया था कि समदा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देंगे, आपको हटाया नहीं जाएगा। और जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें भी ये लिखा है यदि संस्था चाहे तो आपको किसी और अगर संस्था में ट्रांसफर कर सकती है। निकाला नहीं जाएगा। तो कितने बच्चे हैं कुल मिला के अभी? 100 बच्चे। 100 बच्चों को बैठा दिया गया और अभी कुछ लगे हुए हैं? हमारे साथ के ज्वाइनिंग वाले हैं जिनने 1.5 लाख रुपए दे दिए, उनको ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। ये आप 1.5 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे? प्रशासन पे नहीं, ठेकेदार पर। ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं आप? ठेकेदार पे आरोप नहीं है, हम सबूत कर बता सकते हैं। सबूत नहीं होगा पर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो आप जिलाधिकारी जी को बताएं कि ऐसा हो रहा है? अरे सिस्टम मैनेजर सर के पास गए तो उन्होंने भी कुछ नहीं सुना है, उन्होंने कि आप जाइए ठेकेदार से बात करिए। हम लोग वार्ड बॉय भी हैं, मेडिकल कॉलेज झांसी से, ठीक है। हम लोग एक महीने के लिए रखा गया था और तीन महीने बाद हमको लेटर दिया गया, उस पर जबरदस्ती साइन करवा के आप बिना पढ़े साइन करिए। वार्ड बॉय भी हैं, नर्सेज भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं, 3 मंथ बाद सैलरी मिली है 1 मंथ की, वो भी जाम लगा, वो भी हमने जब दिवाली का टाइम 11 नवंबर को जाम लगाया था, हमको 12 नवंबर 11 नवंबर तो हमें 1 महीने की सैलरी अलॉटमेंट की गई थी और ये कहा गया था कि हम 20 नवंबर को आपकी पूरी सैलरी डाल देंगे। जब आपको 1 महीने का उन्होंने लेटर दिया था काम करने का, तो 7 महीने आपने जो ड्यूटी की है तो आपने उस समय आगे का लेटर क्यों नहीं मांगा? हमने लेटर नहीं मांगा क्यों? क्योंकि ये हमें आश्वासन देते रहे कि आपका हम टाइम टू टाइम पैसा डालते रहेंगे, सैलरी डालते रहेंगे। ड्यूटी ड्यूटी आश्वासन से होती है कि लिखित से होती है? लेटर से होती है। हमको लेटर लिखित में नहीं दिया, ना लिखित में नोटिस दिया अभी तक। लिखित में आप जो कह रहे हैं कि 1 माह का उन्होंने लिखित में हमको दिया था जी, 3 महीने बाद दिया, ड्यूटी करने के 3 महीने बाद 1 महीने का लेटर दिया इन्होंने। 3 महीने बाद दिया था? 3 महीने बाद हमको 1 महीने का लेटर दिया है इन्होंने। तो उसी समय आप बैठ जाते कि भाई हम 1 महीने का लेटर हमारे पास दिया है? पढ़ने नहीं दिया गया, जब हमको जब साइन करवा लिया उसके बाद हमने पढ़ा है, तो हम बिना पढ़ के साइन कर दिए। आप लोग तो एजुकेटेड बच्चे हैं जी, एजुकेटेड है, लेकिन हमको नौकरी से हटाने की धमकी दी गई थी कि आपको साइन नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। नहीं तो नौकरी से हटा दिया जाएगा तो कम कोई पेपर आप साइन कर रहे हैं तो बिना पढ़े कर देंगे क्या? सर ये हम तो जबरदस्ती कराया गया, सभी यहाँ कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जिससे जबरदस्ती साइन ना कराया गया हो। जब हमको जरूरत थी कोविड में तब तो इन्होंने काम कराया, उसके बाद हम अगर आप जबरदस्ती साइन नहीं करते तो आपके साथ क्या करते वो? हम लोगों को सबको नौकरी से हटा दिया जाता तो उसी समय निकाल देते, तो उसी समय आप मांग करते? नहीं तो उस समय हमें इतना ड्यूटी पावर नहीं दिया था ना, हम लोगों को कुछ करने ही नहीं दिया इन लोगों ने। अब आगे क्या करेंगे? हमें तो केवल जरूरत थी मजदूरी, बंधुआ मजदूर जैसे कि हमें रखा गया है, कोरोना है, आप करिए, आपके घर वाले कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है इनके लिए। अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग? रणनीति है कि हमें जॉब पे रखा जाए, प्लस हमारी 6 मंथ की सैलरी दी जाए और हमें कभी भी हटाया ना जाए। अगर ऐसा सुनवाई नहीं होती है आपकी तो आगे क्या करेंगे? तो हम अपनी तरफ से कर सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें परमानेंट नहा करके हमें संविदा पे रखा जाए। अगर नहीं रखते हैं तो आगे क्या करेंगे आप? तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हम अपने प्रदेश स्तर, जिला स्तर और हम दिल्ली तक जाएंगे ये बात ले। धन्यवाद।